साथियों नमस्कार, मैं सीतापुर टीम से हाजिर हूं आपके सामने आज 25 सितंबर 2019 को ऑडियो के माध्यम से। साथियों सर्वप्रथम चंद लाइनों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो डर गए आसमान थे। साथियों इसके सापेक्ष मैं आगे आपको बताता चलूं कि हमारे विरोधी र्यूमर फैला रहे लगातार, आज से नहीं सिंगल बेंच के फर्स्ट हियरिंग से लेके, और वो यही विधवा विलाप कर रहे हैं कि 60-65 अजर अमर था। अगर वो अजर अमर था तो सिंगल बेंच ने उसे क्यों डिस्क्वालीफाई किया, और सिंगल बेंच की दूसरी इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच ने भी उसको डिस्क्वालीफाई किया। मतलब एक जज नहीं, जो दो दो जजों ने उसे नहीं माना, और वह मात्र एक सिंगल पत्र जारी किया गया था जिसे अवैध ठहरा दिया गया सिंगल बेंच की खंडपीठ में। साथियों इसी के क्रम में मैं आगे आपको ले चलता हूं। आजकल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत बड़ा र्यूमर फैलाया जा रहा है जिससे आपको मानसिक पीड़ा हो रही है, और आप अक्सर यूट्यूब देखते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, यूट्यूब की 90% बातें बहुत ही फेक होती हैं और वो फेक न्यूज बनवाई जाती हैं, इसलिए आप उन पर ध्यान न दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानियां बनवा के आपको विचलित करने के लिए, परेशान करने के लिए ही विरोधी लोग डलवाते हैं। और यूट्यूब चैनल ज्यादातर 90% उन्हीं के खुद के बनाए हुए हैं, इसीलिए वो आपको परेशान भी करते हैं और मानसिक पीड़ा भी देते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं सीतापुर टीम पे और सीतापुर टीम की तरफ से अगर आप हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगल बेंच से लेके आज तक की डबल बेंच के अंतरिम आदेश हो या अब लास्ट स्टेज पे जो हियरिंग चल रही है जिसमें अपना मुकदमा अंतिम पड़ाव पे है, और उसमें बराबर सीतापुर टीम जाती है और सत्यता के साथ आपको वही बताती है जो कोर्ट रूम के अंदर होता है। हम कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बताते, और मैंने आपको बताया कि जब कल 12:30 बजे पासवर के बाद केस लगा तो एजी साहब जो है आए हियरिंग के लिए, और उन्होंने वही पुराना विलाप किया जो वो सिंगल बेंच में कह रहे थे। इसको सापेक्ष कटाक्ष करते हुए माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि इसके अलावा कुछ हो, 148 पन्ने का जो सिंगल बेंच का जजमेंट है तो आप बताइए। तब उन्होंने जो 3 से 4 महीने में नए जजमेंट आए हुए थे उनकी नजीर पेश करी, उसी में उन्होंने राहुल दत्ता और सुल्तान और जो एमसीडी का आदेश था और 2-3 और आदेश उन्होंने पढ़े। साथियों लेकिन उन कोई आदेशों में से ऐसा कोई आदेश नहीं है जो पासिंग मार्क का हो, और जिसमें आफ्टर एग्जामिनेशन जो है पासिंग मार्क लगाया गया हो। वो सारे आदेश कट ऑफ के लेके हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे इस मुकदमे के 69,000 शिक्षक भर्ती के भिन्न हैं और वो हम पे लागू नहीं होंगे, और वो 101% निराधार साबित हुए। और आप देखिएगा जब ये मुकदमा फाइनल हो जाएगा, हमारे हिसाब से मंडे को लास्ट हियरिंग होनी चाहिए और मुकदमा सेफ हो जाएगा। जब जजमेंट आएगा तो आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि सिंगल बेंच में भी जो मैंने बताया था वही आदेश आया था, और डबल बेंच में भी और आदेश आएगा तो 40-45 या मूल विज्ञापन बहाल, क्योंकि अब स्थिति ऐसी है जो मैं बता रहा हूं। क्योंकि जब सितारे एक लाइन में होते हैं तभी मजा आता है, और चाहे शतरंज की मोहर बिछाई गई हो, बिसात बिछाई गई हो, और जब उस पे चालें चली जाती हैं और जब खुद सय और मात का खेल होता है तो आपको पता है कि नतीजा किसके पक्ष में होता है। हम उनको सिंगल बेंच में और अंतरिम आदेश में 2 बार मात दे चुके हैं अपने विरोधियों को, और अब मौका है फाइनल जजमेंट में। और जब फाइनल मैच में कोई पहुंच जाता है तो वो हर हथकंडे अपनाता है और आखिरी सांस तक जीतने की कोशिश करता है। इसी के सापेक्ष सीतापुर टीम ने भी अपनी रणनीति बना रखी है, हम विरोधियों को कोई मौका नहीं देना चाहते, जबकि आपको पता है अभी विरोधी भी मेरिट के हिसाब से टॉप मोस्ट अधिवक्ता अपना उतारने वाले हैं, जयदीप नारायण माथुर को। ये वही जयदीप नारायण माथुर है जिनके नाम पे सिंगल बेंच में हम लोगों की तरफ से पैसे लिए गए थे और इनको नहीं हायर किया गया था। अगर कर लिया गया होता तो बात अलग होती, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं है। उनकी आर्गुमेंट का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ही सीतापुर टीम ने विशेष तौर से अपने ब्रह्मास्त्र में सुप्रीम कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता फायरब्रांड
जो हमने मिसाइल तैयार कर रखी है उन्हीं का नाम है आनंद नंदन जी। जब वो आएंगे तो यहाँ की हाई कोर्ट बेंच का कोई भी अधिवक्ता हो वो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे नजीर एविडेंस आपके सामने रूबरू कराएंगे कोर्ट को कि उनके सामने किसी का टिक पाना एक भी सेकंड क्षणिक नहीं होगा। साथियों सीतापुर टीम की तैयारी ही ऐसी है, मैं आपसे बराबर कहता हूं, बस एक चीज आपसे कह रहा हूं आनंद नंदन जी को, इस केस की हियरिंग के लिए आनंद नंदन जी की फीस के लिए सीतापुर टीम को कल 6 बजे से 8 बजे के बीच में उनको पूरा पैसा देना है, और अभी भी सीतापुर टीम के पास 73,000 रुपए की कमी है एक हियरिंग के लिए। साथियों इसी के साथ मैं आपको आगे बताता चलूं, हमारे विरोधी यह तैयारी कर रहे हैं कि वो बताएंगे कि जब 60-65 अवैध है तो 40-45 भी अवैध होना चाहिए, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि ये क्यों वैध है। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार खेल चालू हुआ, 1,37,000 सुप्रीम कोर्ट से उसका पार्ट 1 68,500 माननीय निषाद जी की ही बेंच में, और अपोजिट जो बीटीसी के अधिवक्ता थे जिन्होंने कराया था 40-45 हिमांशु राघव जी, वो आज सीतापुर टीम की तरफ से नहीं लेकिन जो चौथी टीम रोहित शुक्ला जी की है उनकी तरफ से वो शिक्षा मित्रों के साथ खड़े हुए हैं। और जब एक ही बेंच में जज भी वही हो जिन्होंने आदेश किया हो और अधिवक्ता भी वही हो जिन्होंने उसका जजमेंट कराया हो, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका महत्व हुई क्या होता है, वो चार चांद लगा देता है और तनिक भी इरशाद जी को देर भी नहीं लगी है मुकदमा समझने में। और बराबर कल जो लोग कोर्ट रूम के अंदर थे उन्होंने देखा होगा, मैंने जो बताया था अपने ऑडियो में 4.5 मिनट वो हकीकत बताई थी। माननीय इरशाद जी ने कई बार महाधिवक्ता जी को क्वेरी किया, ये किसी ने नहीं बताया विरोधियों ने, क्योंकि उनको ताली बजवाने से मतलब है, क्योंकि पैसे वो इतने ले रखे हैं और वो करेंगे भी तो क्या करेंगे, अपने साथियों को कुछ ना कुछ तो मनगढ़ंत कहानियां बताएंगे ही। एजी ने वही बताया जो सिंगल बेंच में बताया था, चाहे ऑर्डर हो तेज प्रकाश पाठक हो, चाहे आनंद कुमार हो, चाहे हिमांशी चाहे मारवा वाला हो, ऐसा कोई आदेश नहीं है जो सिंगल बेंच में ना बताया हो। तभी माननीय शाह जी ने कहा भी था इसके 148 पन्ने के सिंगल बेंच के जजमेंट के अलावा कुछ हो तो आप बताइए, अन्यथा आप नहीं बताइए। इरशाद जी ने यह भी पूछा था कि शिक्षा मित्रों का भारांक वेटेज चैलेंज किया गया है, तुरंत एजी साहब ने कहा वो उनका सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ है और इनका 18 साल का अनुभव है, इसमें हम कोई आर्गुमेंट नहीं करना पसंद करेंगे। अगर विरोधियों को इतना पता हो तो जान लें कि क्या कोर्ट रूम के अंदर होता है, अपने साथियों को बताने से किसी की मनगढ़ंत कहानी सुनाने से कुछ नहीं होने वाला, होता वही है जो नजीरें पेश करी जाती है, जो एविडेंस लगाए जाते हैं, जिनके बिहाफ पे आर्गुमेंट करी जाती है। सीतापुर टीम ने बराबर वही कहा, और फिर आज सीतापुर टीम कह रही है हमारे पास वो मिसाइल है जो हाई कोर्ट के कोई भी मेरिट का टॉप मोस्ट अधिवक्ता हो उसको ध्वस्त कर सकता है, क्योंकि एक बार नमूना देख चुका है पूरा उत्तर प्रदेश, दोबारा नमूना जो है वो सीतापुर टीम दिखाएगी। हियरिंग ज्यादा से ज्यादा 3 दिन चलनी है, रेयर केस है जो 4 दिन जाए, वरना मंडे को ये केस रिजर्व हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के समस्त टेट पास शिक्षा मित्र जान लें, और सीतापुर टीम का समस्त टेट पास शिक्षा मित्रों को टीचर बनाने का भी संकल्प है, और वो मात्र सीतापुर टीम है जिसने कहा है कि वो मूल विज्ञापन पे भी बराबर की आर्गुमेंट करेगी। और मैं आपको बता दूं मूल विज्ञापन के लिए ही आनंद नंदन जी बहुत सटीक है, क्योंकि उन्होंने 72,825 में भी मूल विज्ञापन बहाल करवाया है। यह सब चीजें ऐसे ही नहीं बनी है, जब सितारे बनते हैं तब पता चलता है कि ये एक लाइन में बैठे हैं और इससे किसको फायदा मिलेगा। और इतने टाइम इरशाद अली जी भी है जिनकी बेंच में 68,500 का आदेश हुआ था, हिमांशु राघव जी भी है जो अब शिक्षा मित्रों की तरफ से खड़े हुए हैं चौथे टीम की तरफ से स्तंभ बन के, और मेन चीज है लखनऊ अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे 2 बार माननीय HGS परिहार जी, टॉप 10 मोस्ट अधिवक्ता सीतापुर टीम की तरफ से है, जो बराबर कोर्ट रूम में रहते हैं और कल भी आउट कोर्ट रूम में सबसे आगे बैठे थे, और उन्होंने खुद जो भी मेन पॉइंट थे लीगल उनको नोट किया है, और उस पे वो अपनी तैयारी भी बहुत सही ढंग से करने वाले हैं, क्योंकि जब सीतापुर टीम उतरेगी तो उस दिन सीतापुर टीम किसी को मौका नहीं देने वाली, ये जान लीजिए उत्तर प्रदेश के समस्त टेट पास शिक्षा मित्र। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं जब मूल विज्ञापन बहाल होगा तो आपको पता है उसमें क्या क्या होगा, और जो कह रहे हैं 40-45 तो मैं उनको भी बता दूं 40-45 के
हफ्ते भर बाद ही आदेश आया था इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच का, मूल विज्ञापन, और मूल विज्ञापन में शिक्षा मित्रों का फायदा है, तनिक भी नुकसान नहीं है। अगर होता है तो 100 बार 100 गुड हमारा प्रयास है कि हम मूल विज्ञापन के लिए लगे हैं। और 40-45 में हमारे वो भाई जरूर छूट रहे हैं जो 67 नंबर से नीचे हैं, अगर 40-45 नहीं छू रहे हैं। साथियों, इसी के साथ जब मूल विज्ञापन होगा तो आपको पता है मूल विज्ञापन 22वें संशोधन से है, और उसमें क्या क्या है, उसमें मिनिमम उत्तीर्णांक भी है, और उसमें बहुत सी चीजें हैं। जिसने स्टडी किया है उसको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने हमेशा कहा है। और भारंग को लेके भी ऐसा नहीं है कि हमको विरोधियों की कोई खुराफात का पता नहीं चलता, हमें सब पता चलता है। और एक तो इसमें रिट टैग है और एक दूसरी ये चलवा रहे हैं, इसीलिए हमने अनुज कुमार त्रिपाठी के नाम से आइए डाल रखी है। ये कभी भी आए, किसी दौर से आए, इनको हम घेर के ही मानेंगे, घेर के ही मारेंगे। ये हमारी तैयारी है, जैसे सिंगल बेंच में घेर के इनको इनके हालात में खड़ा कर दिया था, वही इनका हाल इस डबल बेंच के लास्ट डिसीजन पे होने वाला है। साथियों, आपसे सिर्फ पहली और अंतिम बार, जितने भी लोगों ने, जितने भी शिक्षा मित्रों ने, जितने भी बीटीसी भाइयों ने अगर सीतापुर टीम का काम देखा है, सीतापुर टीम पे भरोसा करते हैं, तो आखिरी बार 1000 रुपए का सहयोग करें, क्योंकि 1000 रुपए से उनको अगर नौकरी मिलती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और जो हमेशा आपको सिंगल बेंच से लेके डबल बेंच तक सत्यता से अवगत कराता रहा, उसी का नाम है सीतापुर टीम। जिसने पारदर्शिता रखी उसी का नाम है सीतापुर टीम। अगर सीतापुर टीम जानी जाती है तो अपनी सत्यता और पारदर्शिता के लिए ही जानी जाती है पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमने पहले भी कहा है हम गलत करते नहीं, इसीलिए हम किसी से डरते नहीं। जय हिंद, जय शिक्षा मित्र। इसी के साथ मैं सीतापुर टीम से, जय हिंद।